शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी बेड़ा सजिया। हाँ मेरा सज तुम चेंज करने वाली हो? बहुत पूछ रही तुमसे कि पूछे कर ले। Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shubhi and today is finally the day. आज शादी है and मैं सुबह सुबह नहा वहा के फ्रेश हो चुकी हूँ and यह मैंने पहना है अभी सूट। हम लोग जाते टाइम चेंज वेंज करेंगे, तैयार होंगे ऑफ कोर्स। या और कुछ बोलने को नहीं है और बहुत सारे लोग हैं तो मुझे शर्म आ रही है। I'll see you guys in a bit. हाय गाइस, तो देखिए कौन आ चुका है। काफी तेज धूप है। तो जी दोपहर के 12 बज रहे हैं, सब बड़े जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे हैं क्योंकि बड़े पापा ने बोला है 2:30 बजे तक सबको रेडी हो जाना है। तो मैंने बुआ लोग को रेडी किया, उसके बाद मेरे भी बाल सूख चुके थे तो मैंने उनको भी मतलब स्ट्रेट किया फर्स्ट टाइम। और ये शीट मास्क भी मैं लेके आई हूँ लगाने के लिए, तो वो लगाया। साथ साथ अपनी बहनों को भी रेडी किया। बाकी सब लोग मेरे पर हंस रहे थे ये शीट मास्क देख के, बट क्या करना है यार, मेकअप बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपने भाई को नीचे भेजा कि जाके तुम तब तक वीडियो रिकॉर्ड कर लो जो हो रहा है वो चीज़ दिखाने के लिए। और उस पागल ने ये ढोल वालों की वीडियो रिकॉर्ड किए, बताओ। जो रसम हो रहा है रिकॉर्ड ही नहीं की, बट यहाँ पे हो रहा है लावा परछन का रस्म हो रहा है। एंड इधर मैं भी ऊपर रेडी हो चुकी हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मेरा मेकअप इस दिन इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा मेकअप हुआ था। और मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए मम्मी थोड़ी गुस्से में है, बट ठीक है, मैंने मम्मी को भी रेडी किया था। और अब हम जा रहे हैं नीचे देखने नीचे क्या हो रहा है। तो नीचे हो रही थी इमली घोटाने वाली रस्म जो कि मामा करते हैं, तो बस वही कर रहे हैं। उसके बाद भैया ने मुझे गाड़ी में भेज दिया कि जाओ जन्मासे पे, बट गाड़ी चल नहीं रही है, 10 मिनट से बस ऐसे ही बिठाया हुआ है मुझे। शिवम हाँ जी, यहाँ पे भी मैं अपना मेकअप ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्लोजअप में बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। एकदम फ्लॉलेस हुआ था, मज़ा आ गया था। और जैसे ही हम लोग निकले मुझे जोरों की सर पे लगी, बट मैंने ऐसे दिखाया कि कोई बात नहीं मुझे नहीं लगी, बट लगी बहुत ज़ोर की थी। जी हम सब पहुंच चुके हैं जनवासे पे, भैया भी आ गए हैं। बाय द वे जिनको जनवासा नहीं पता मैं बता दूं, जनवासा वो होता है जहाँ पे लड़की वाले थोड़ा रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट वगैरह करते हैं और फिर वहाँ से हम लड़के वाले बारात लेके उनके वेन्यू तक पहुँचते हैं। तो जहाँ पे हुआ था ये जनवासा वो था छोटी बम्लेश्वरी माता का मंदिर, वहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, उसी के सामने एक गेस्ट हाउस है, वहीं पर हमारे रहने के लिए और ये सब खाने पीने की अरेंजमेंट की गई थी। तो हमने बस वहीं पर गए, सब रुके और ये जो नाश्ता मिला था वो किया। और उसके बाद ना बारात निकलने में थोड़ा टाइम था तो सबने सोचा चल के मंदिर दर्शन कराते हैं। मैंने हील पहनी हुई थी बट फिर भी दर्शन को कैसे ही मना करती, तो फिर मुझे जाना पड़ा, मैं भी गई। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा था। लाइट्स वैसे भी मुझे बहुत खुश करती हैं। उसके बाद वहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटो वीडियो ली। नैना लागे तो जागे बिना डोरी या धागे बांधते हैं दो नैना ख्वाब से, ना आता हो ना पता हो। तो ये रही मेरी दोनों बहनें जिनको मैंने रेडी किया था, दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ना बारात निकलने की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, सब बाजा गाजा और रथ वथ सब कुछ आ चुका है, अब बस निकलने की देरी है। फैमिली फोटो वगैरह सब हो चुका है। पता है यहाँ पे ना मुझे एक ही कमी बहुत ज़्यादा खली बारात में, वो थी गाने की। मतलब यहाँ पे म्यूज़िक बजाया जा रहा था, सिर्फ गाना नहीं बज रहा था, मतलब लिरिक्स नहीं थे गाने में। वो तो आप लोग आगे वीडियो में देखोगे ही। मतलब मुझे डांस आता नहीं है लेकिन फिर भी देखने में तो मज़ा ही आता है ना, गाने वाला डांस, तो वो था। और साथ में ना सब बहुत डांस कर रहे थे और मुझे बड़ा ही फोमो हो रहा था, सब मेरे बिना डांस कर रहे थे, मैं बस कैमरा लेके खड़ी थी वीडियो बना रही थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इन्जॉय करो, सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया। Thank you.
तो हो चुका है, डांस गाना बजाना सब कुछ हो गया, झूमते नाचते हुए सारे बराती पहुंच गए हैं। डेकोरेशन वहाँ की काफ़ी प्यारी लग रही थी। अब चलते हैं खाना खाने। वैसे खाने में भी मुझे एक कमी लगी यार, गोलगप्पे की। मतलब बिना गोलगप्पे वाली शादी तो मैंने देखी ही नहीं। और यहाँ पे चाट गोलगप्पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ चाइनीज़ था और साउथ इंडियन में डोसा था। तो मैंने ये नूडल्स मंचूरियन खाया और डोसा खाया, और डोसा खाते खाते ही ना भाभी की एंट्री हो गई, तो मैं सब खाना वाना छोड़ के वो देखने चली गई। मैंने डांस किया ना कुछ, ये मेरे बालों की हालत ऐसी कैसी हो गई, और तो और मेरी बिंदी कहाँ चली गई यार। वधू वर को वरमाला पहनाएंगी एवं वर का वरण करेंगी। अम्मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न कोका विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारिको अरिष्टदेवी स्वस्ति नो गृहतो। हाँ जी, तो वरमाला हो चुकी है और अब हम खाना चेकआउट करने आए हैं। दीदी खाना ले रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ क्या क्या है खाने में, मेरा अभी खाने का मूड नहीं था। और ये सब खाना देखते देखते कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, सब मसाले देख रहे थे, बट हाँ सजाया गया था काफ़ी अच्छा। और उतने में मुझे स्टेज पर बुला लिया गया, तो मैंने बस भाई को फ़ोन पकड़ा दिया कि तुम रिकॉर्ड करो और मैं चलती हूँ स्टेज पर। हालाँकि मुझे पता था कुछ दिखेगा तो है नहीं इतनी दूर से, बट हाँ मैं थोड़ी थोड़ी सी दिख रही हूँ। उसके बाद मैंने भैया को बोला कि भाभी से मुझे इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि मैं एंगेजमेंट में नहीं पाई थी तो मैंने मिल नहीं पाई थी उनसे। और भैया ने कराया भी इंट्रोडक्शन, बहुत ही शॉर्ट, बोला ये शुभी है, बस हो गया इंट्रोडक्शन ख़त्म। तो बस स्टेज पे थोड़ा हाय हेलो किया भाभी से, और उसके बाद फ़ोटोज़ खिंचवाई सबके साथ, फैमिली के साथ, और कजिन्स का भी ग्रुप था तो उसमें भाई को भी आना पड़ा था, तो वो क्लिप तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ पापा ने बीच में आके फ़ोटो ख़राब कर दी और हम सब ने फ़ोटो खिंचवाई। और नीचे आने के बाद ना मम्मी ने खाया खाना और मेरे लिए लेके आई थी, बट मैंने नहीं खाया। मैंने खाया मूंग का हलवा, मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी था, मस्त घी और ड्राई फ्रूट वाला था, मज़ा आ गया था खा के। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, मांग टीका को देखो क्या हो गया है। फिर वहाँ से हम सब निकले और सामने ही एक गेस्ट हाउस था या फिर जो भी था, वहाँ पे मंडप किया गया था, वहाँ पे जा रहे हैं, अंदर गए। अब सबका फैशन चला गया है, सबने साल स्वेटर सब कुछ ले लिया है और मैंने भी चेंज कर लिया है। मेकअप तो मेरा वैसे का वैसा ही है, इतना सुंदर हुआ था, कितनी तारीफ करूँ मैं। और सब अब रेडी हो रहे हैं, मम्मी पीछे रेडी हो रही है, इधर बुआ बड़ी मम्मी सब रेडी हो रहे हैं, मैंने बस बिंदी ऐड की एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं आगे मंडप में बैठ गई कि मैं मस्त आराम से आगे से अच्छे से व्यू के साथ देखूंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो आगे बताती हूँ कि क्यों नहीं हुआ। बाय द वे यहाँ पे हो रही है पूजा जो भाभी के साथ, मतलब भाभी के लिए होती है, जेठ जी वाली वो सब पूजा हुई। उसके बाद भैया आए, देखो यार क्या बदमाशी की थी इन लोगों ने। भैया ने जैसे ही जूते निकाले, अंशु भैया ने जूते उठा लिए भाभी की बहन से पहले, और तो और जैसे ही भाभी के भाई आके जूते खींच रहे थे, इन लोग को कोई जगह नहीं मिली, तो भैया के फ्रेंड ने ना अपने शेरवानी में, अपने कोट में, जो भी जैकेट में छुपा लिए। ये देखो मतलब हद है यार, खेलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ मैं लड़के वालों के साइड से ही हूँ, बट ये क्या बात हो यार, ये तो चीटिंग है। तो पहले उनका चरण धुलाया जाता था, हस्त प्रक्षालन कराया जाता था और फिर जल पिलाया जाता था, तो ये परंपरा रहती थी कि जल के साथ में कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे हो रही है कन्यादान वाली रसम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आगे आके बैठी थी कि सब आराम से देखूंगी, बट पंडित जी बड़े पापा सब आके मेरे सामने बैठ गए और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सब कुछ अच्छे से क्लिप्स रिकॉर्ड की है। सो यह लगता है।
मंगलाय सनो हरे तदेव नगरं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। ओके गाइस, तो शादी हो चुकी है। आप लोग कुछ अच्छा अच्छा सा मेरे भैया भाभी के लिए कमेंट्स में लिख दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। एंड उसके बाद ना मेरे फ़ोन ने धोखा दे दिया और वो बंद हो गया, बट आई एम ग्लैड यहाँ तक तो रिकॉर्ड हो पाया, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना पाई। The next day. तो जी ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे 6:30 बजे कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के, क्योंकि जब अगले दिन मैं आई थी ना विदाई विदाई होने के बाद, तो मैं कहाँ सो गई कुछ पता नहीं, मतलब सो के डायरेक्ट उठी 4:30 बजे और उसके बाद वापस से सो गई, 6 बजे उठी और इन दोनों को लेके बाहर आ गई मार्केट में कुछ खाने पीने, क्योंकि मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा था कि मैंने सारी रसम वसम छोड़ दी सोने के चक्कर में और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो मुझे बाहर जाके कुछ खाना है, वैसे भी दिन भर से सो रही थी तो भूख लगी थी। तो बाहर आई, गोलगप्पे और भेल वगैरह खाया और पॉपकॉर्न खाते हुए घर चली गई और मूड तो मेरा ऑफ था कि सारी रसम मेरे से छूट गई होगी, बट लक मेरे फेवर में था और गई तो अंगूठी वाली रसम हो रही थी। मैंने सोचा वाह 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 मज़ा आ गया, ये तो मैं रिकॉर्ड करूंगी और देखूंगी मज़ा आएगा, तो आप लोग भी देखो। डायरेक्ट डाल के डायरेक्ट उठा रहा भाई, चीटिंग है। अंपायर चेंज करो, अंपायर चेंज करो, गोविंदा 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 पापा जा बड़ा बड़ा रे तो भैया भाभी के खेलने के बाद ना ये रिंग वाला गेम देवर और भाभी की जोड़ी को भी खिलवाया गया था मजाक मस्ती में और बहुत मजा आया था एक्चुअली। तो फन से गेम के रसम के बाद अब आती है कुछ ट्रेडिशनल रसम की बारी। यहाँ पे कुछ पान धान की रसम हो रही है, पान के पत्ते और धान या जीरा जो भी लिया गया था उसको भाभी ने ऐसे करके कूटा था, कैसे करके ये देख लो आप लोग। और इसके बाद हुआ था, क्या हुआ था, भाभी ने गाना गाया था। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा देवी का गाना गाया था और मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग सुन लो उन्होंने कैसा गाया था, बताना मुझे कॉमेंट्स में। ओ रागनी
प्यारी आँखों में सितारों मांग भर जाओ, तेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और इन सब के बाद लास्ट में हुई मुंह दिखाई वाली रसम। मुंह तो सबने भाभी का देखा ही है, बस इस रसम में भाभी ने सबका पैर छुआ, घर के सारे बड़े एक एक करके आए, पैर छुआया और जो भी गिफ्ट पैसे जो देने थे वो दिया। और या यही रसम हो रही थी, बस एक करके सब आ रहे थे। तो बस कुछ ऐसा ही रहा शादी वाला व्लॉग। 8th और 9th वाला दिन पूरा दिन खत्म हो गया था इस रस्म के बाद। बस सबने खाना खाया था और सो गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, मज़ा आया तो भी बताना, नहीं आया वो भी बता देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक। ओके बाय।